लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कर रहे थे, और इसमें बेटा मैंने तुमको बताया था सबसे पहली कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट करंट की, और मैंने तुमको बताया था कि जैसे किसी मैग्नेटिक फील्ड की रीजन में बी बदल के ई इंड्यूस कर सकते हैं, वैसे कैपेसिटर के भीतर ई को बदल के बी इंड्यूस कर सकते हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है तो उसकी वजह एक करंट को बताते हैं, हाइपोथेटिकली सही, उस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। और मैंने बताया था कि कंडक्शन करंट से डिफरेंट है, कंडक्शन करंट डी क्यू बाई डी टी चार्ज के चलने वाली वो अलग है, और एक डिस्प्लेसमेंट करंट होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्प्लेस होने से आने वाली एप्सिलॉन नॉट डिफाई बाई डी टी। हाँ ये अलग बात है कि एम्पर लॉ से कंडक्शन करंट भी निकल सकती है, कंडक्शन करंट की फील्ड भी निकल सकती है, और एम्पर्स लॉ से डिस्प्लेसमेंट करंट की भी फील्ड निकल सकती है, अगर हम अपने एम्पर्स लॉ को मॉडिफाई करके इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू मी नॉट आई सी प्लस आई डी एम्पियर मैक्सवेल लॉ, जो एम्पियर्स लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है, इसको यूज करें। यहां पे आके मैंने तुमको बताया था कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान आईडी आईसी के इक्वल होता है, और जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग ना हो तो आईडी और आईसी दोनों जीरो ही होते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन कराए थे डिस्प्लेसमेंट करंट के, समझ गए थे तुम लोग। फिर मैंने लास्ट क्लास में फोर फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कराया था, बताया था कि ये जो ई और बी में लॉज है वो सिमिट्री प्रूव करते हैं, और सिमिट्री इटसेल्फ नहीं बट और भी मैंने तुमको चीजें बताई थी कि भाई रेफरेंस फ्रेम का भी यहाँ पे फंडा है, स्टेशनरी चार्जेस, सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस ई पैदा करते हैं, तुम्हारे फ्रेम में जो मूविंग चार्जेस वो भी पैदा करते हैं। तो अगर चार्जेस मूव भी करें और वो भी एक्सेलरेशन के साथ सम वेरिएबल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी चाहे बढ़ रही हो चाहे घट रही हो जैसे कि एलसी सर्किट में, तो ऐसे में तुम्हारे ई और बी दोनों प्रोड्यूस होते हैं और एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कपल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, ई से बी, बी से ई पैदा होने लगती है, और उस कंबाइंड फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब स्पेस में एनर्जी और मोमेंटम लेके आगे बढ़ती है तो हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि वेव का मतलब यही होता है, वेव का मतलब होता है किसी जगह पे एनर्जी का डिस्टर्बेंस के फॉर्म में आगे बढ़ना। जैसे तुमने पढ़ा होगा बचपन में, भाई सबसे सिंपलेस्ट वेव हम लोग कौन से सुनते हैं, तो सेस्मिक वेव सुनते हैं, भाई अर्थक्वेक आता है तो वेव आ जाती है। कैसी होती है, अर्थ में कहीं पे प्लेट टेक्टोनिक से प्लेट हिलती है, डिस्टरबेंस पैदा होता है, और वो डिस्टरबेंस जमीन के नीचे से वो ऊपर की तरफ सर्फेस की तरफ भागता है, और जब सर्फेस पे आता है तो बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और अर्थक्वेक आ जाता है ना, और डैम फट जाते हैं। इसी तरीके से पानी के भीतर, ओशन के भीतर हो तो सुनामी आ जाती है, तो क्या है, डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है। वो डिस्टरबेंस अपने साथ क्या लेके चल रहा है, एनर्जी लेके चल रहा है। पार्टिकल का डिस्टरबेंस, पार्टिकल ऐसे जब भी कोई भी वेव चलती है तो पार्टिकल अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जिसका मैंने बताया था कि हम लोग सिंपलीफाइड वे में एसएचएम जिसको बोलते हैं, एसएचएम करते हुए वेव आगे बढ़ती है। तो ईएम वेव में भी यही होता है, ईएम वेव में एक सोर्स है, हर चीज को डिस्टरबेंस में एक सोर्स होता है। याद है जब अर्थक्वेक आता है तो न्यूज़पेपर में लिखा रहता है कि इसका एपिसेंटर अफगानिस्तान में हिमालय में था, तो एपिसेंटर वो क्या है, सोर्स है जहां से तुम्हारा डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है। तो ईएम वेव का भी एक सोर्स है जो कि कुछ नहीं, एक्सीलरेटेड चार्ज होता है, और ये चार्ज जब एक्सीलरेट होता है जैसे एलसी सर्किट में या तुम्हारा लाइट के केस में एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन या एक्सरे या अल्ट्रावायलेट रेज में, तो ये डिस्टरबेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के डिस्टरबेंस के फॉर्म में वेव आगे बढ़ती है। और ट्रांसवर्स वेव होती है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन है ये वेव यानी कि एनर्जी के चलने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे आके तुमको मैंने ये जनरल डायग्राम बनाया था, आई थिंक समझ भी गया होगे कि वेव अगर एक्स में चल रही है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाई जेड प्लेन में ऑसिलेट करते हैं, लेकिन आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं। उसकी रीजन मैंने बताया था कि ई की वजह से बी और बी की वजह से ई जब इंड्यूस होते हैं तो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, वो तुम्हें कई दिनों से मैं बता रहा था, इसीलिए बता रहा था, मुझे मालूम था कि ई एम बी में उसकी जरूरत पड़ेगी आगे। तो ई बी और वेव तीनों आपस में मिश्री परपेंडिकुलर होते हैं एक्स वाई जेड। अगर मान लो वेव एनर्जी एक्स में चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में, तो देखो ई वाई की इक्वेशन लिखी थी, मैग्नेटिक फील्ड जेड में तो बी जेड की इक्वेशन लिखी थी, फिर बताया था ये एम्पलीट्यूड होता है, इसको फेज बोलते हैं साइन के भीतर, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड से लिंक्ड होता है, फ्रीक्वेंसी से लिंक्ड होता है, के को प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ये के इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन बी वेवलेंथ से लिंक्ड होता है, टू पाई बाई लैम्डा निकाला भी था, इसपे इस क्वेश्चन भी कराया था। एक्स बताता है वेव की डायरेक्शन, माइनस प्लस में, अगर माइनस है तो प्लस एक्स में, प्लस है तो माइनस में, उल्टा होता है। फिर तुमको ये भी बताया था कि ई और बी सेम फेज में होते हैं, भले परपेंडिकुलर हो बट सेम फेज में होते हैं। फिर ए नॉट अपॉन बी नॉट, ई आर एम एस में बी आर एम एस सी होता है, सी की वैल्यू वन अपॉन रूट मी नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है, प्रूव भी किया था 3 × 10⁸।
फिर तुमको ये भी बताया था कि जो सी है उसकी डायरेक्शन ई क्रॉस बी के अलॉन्ग होती है. फिर किसी मीडियम में तुमको ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की डिफिनेशन बताई थी, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कराया था, और फिर लास्ट में चलते चलते एक क्वेश्चन कराया था कि बी दे रखा हो और उससे तुम ई निकालो, वेवलेंथ निकालो, फ्रिक्वेंसी निकालो, स्पीड निकालो, एम्पलीट्यूड निकालो, एक्सप्रेशन निकालो, ये क्वेश्चन करा दिया था. आई थिंक ये क्वेश्चन समझ गए होगे सब लोग, समझ गए इतना ही क्वेश्चन. यस सर. चलो तो आगे बढ़ते हैं. ईएम वेव में मैंने बोला था और किसी ने पूछा भी तो मैंने बोला था आगे जाके बताऊंगा. तो वक्त आ गया जब मैं तुमको ये बताऊं कि ईएम वेव में एनर्जी कितनी होती है. अब एनर्जी कितनी होती है, लाइट में कितनी एनर्जी होती है यार. लाइट तो ऐसा तो है नहीं कि लाइट रुकी रुकी रहती है, तो चलती रहती है. तो अब लाइट की एनर्जी तुमसे ये तो ना बता सकते हो कि भाई सन से अर्थ के बीच में कितनी एनर्जी, वो तो लगातार आ रही है, लगातार पैदा हो रही है. तो हम यहाँ पे एनर्जी की बजाय एक टर्म यूज करते हैं, एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. कि भाई तुम्हारी वेव कहीं पे जा रही है, ये वेव है, ये वेव है, ऐसे कहीं पे जा रही है. तो तुम एक काम करो बेटा, एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम बना लो और उस हाइपोथेटिकल वॉल्यूम में देख लो कि कितनी वेव ने कितनी एनर्जी जो है इतने वॉल्यूम में कैप्चर कर रखी है. उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जूल पर मीटर क्यूब में जो आएगा वही एनर्जी डेंसिटी है. कितनी होती है ईएम वेव की एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? तो मैं यहाँ पे आके देखो फिर वही बोलूंगा, मैक्सवेल ने कुछ नहीं किया बेटा, सिर्फ इतना किया मैक्सवेल ने कि मैक्सवेल ने जो फंडामेंटल इक्वेशंस थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, उन इक्वेशंस को उसने सॉल्व कर दिया और उसने बोला कि कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो ये जो एनर्जी यहाँ पे होगी वो कुछ नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी का ही सम है. ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये जो मैक्सवेल की फंडामेंटल इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो ये बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है. तो जो ईएम वेव की एनर्जी होती है वो एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का सम है. अब ऑब्वियसली खुद ही बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की, दोनों की सिमेट्री से सेम होगी. सेम ही होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल सही गेस कर रहे हो, सेम ही होनी चाहिए. तो अगर सेम ही होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि इसको मैं ट्वाइस द एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूं या ट्वाइस द एनर्जी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड बोल दूं, बात एक ही, दोनों में एनर्जी सेम होती है. कितनी होती है तो मैंने बताया ना, टोटल एनर्जी हम नहीं बताते, हम एनर्जी डेंसिटी बताते हैं. तो मैं एनर्जी डेंसिटी लिखने जा रहा हूं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका एक सिंबल है U, और ये सिर्फ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखी जाए तो ये आती है बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर. तो तुम बोलोगे अरे ये तो वही है जो कैपेसिटर में पड़ी थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी, और वहां पे पड़ी थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यहाँ पे लिख रहे हो ई नॉट, मतलब वेरिएबल है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो उसका तुम एम्पलीट्यूड रख रहे हो यहाँ पे, और बिल्कुल वही है, वही चीज बोल रहा हूँ. जो कैप्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी तो यहाँ पे कोई डिफरेंस ही नहीं है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसी की बात कर रहे हैं, उसी की एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं. और बेटा इसी को अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिखें तो बी नॉट स्क्वायर बाई टू मी नॉट जूल पर मीटर क्यूब, यही एनर्जी डेंसिटी सिर्फ ई के फॉर्म में. सिर्फ यही एनर्जी डेंसिटी. तो पहला टॉपिक, पहला इसमें पॉइंट लिख लो एनर्जी डेंसिटी, पहला मतलब आज का क्लास का पहला, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. जी दोनों फॉर्मूले लिख लो पूरा, मतलब जितना लिखा वो फिगर बना के लिख लो. तो फिगर में आपने क्या बताया था? एक-एक करके बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? फिगर में क्या बताया था आपने? फिगर में मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब स्पेस में आगे बढ़ती है तो टोटल एनर्जी बता पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें नहीं पता वो कितना चल गई आगे. तो हम एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम बनाते हैं और उस हाइपोथेटिकल वॉल्यूम में कितनी एनर्जी कैप्चर है वो निकाल लेंगे टोटल एनर्जी, और उसको उस वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो जूल पर मीटर क्यूब में हमें एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी. सर ये वॉल्यूम हम अपनी मर्जी से, फिक्स फिगर है जैसे गॉस लॉ में होता था? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, एनी वॉल्यूम, एनी एनी टाइप, एनी शेप, एनी साइज. हाँ दूसरा बंदा पूछो बेटा, क्या पूछ रहे थे?
सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली तो थी हम लोगों ने लास्ट क्लास में, यही तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन सी, जो ई क्रॉस बी के अलोंग होती है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जिधर मैग्नेटिक फील्ड हो दोनों के परपेंडिकुलर, ये सी, ये तो है इलेक्ट्रॉनिक वेव की डायरेक्शन जी। ओके सर। सर ये तो वेव के डायरेक्शन थे ना सर, फील्ड तो अलग होगी ना उसकी। फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक ये है ना ई वेव के चलने के परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में, बी वो वेव के चलने के और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर, तो अगर ई और बी अलग अलग बात करो तो एक्स वाई जेड का रिलेशन है। पर अब वाई होगा कि जेड होगा ये कैसे बता देंगे यार, वो तो वेव पे डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन दे रखा होगा तो बता दूंगा मैं, ये देखो क्वेश्चन है इसमें बी दे रखा था वाई में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था माइनस जेड में, तो ये मैं बता दूंगा हाँ माइनस जेड में होगा। बट इतना बता सकता हूँ कि वेव जिधर होगी उसके परपेंडिकुलर में होगी फील्ड, फील्ड के ऑसिलेशन। ठीक है यस सर। और ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर कैसे है बेटा? ये कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा ऐसा कुछ टर्म देखा नहीं आज तक, हाफ एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी एलआई स्क्वायर कहीं नहीं देखा? हाफ सीवी स्क्वायर अपॉन एटी, कुछ याद नहीं आ रहा? तो बेटा बोलो यस सर, ये कुछ यही तो है सॉल्व किया था, इसी से तो आया था हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर V by D बन जाएगा। V by D क्या होता है? वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ से नॉट ई स्क्वायर, देखो डिराइव कर दिया मैंने, इसमें क्या है? तो V नॉट स्क्वायर बाय U नॉट कैसे? जी इंडक्टर में तो लोगों ने शायद किया होगा, नहीं किया तो मैं डिराइव कर देता हूँ, उसमें क्या है, बड़ा आसान सा है, ये इंडक्टर है और ये इंडक्टर में टोटल एनर्जी है हाफ एल आई स्क्वायर, और इंडक्टर का वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लेते हैं, लेंथ एल मानते हैं, तो ए इंटू एल, कैपिटल एल सेल्फ इंडक्टेंस है जो कि होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई स्क्वायर अपॉन ए एल, से एल कट गया, ये बन गया हाफ म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर, एक म्यू नॉट से नीचे एक म्यू नॉट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर, म्यू नॉट एन आई बी होता है तो बन जाएगा बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। याद आया कुछ? Yes, था चलो ये रुक जाए थोड़ा सा। ओके याद आया, ये तो किया होगा सर, बीस का बाय टू मिनट डेरिवेशन नहीं करा था इंडक्टर में ईएमआई के चैप्टर में? किया था सर, किया था। सर ये जो इंडक्टर की एनर्जी होगी इसका टू टाइम्स करेंगे ना एनर्जी डेंसिटी में? देखो ये है दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मुझे दोनों के सम के फॉर्म में लिखनी होगी तो मैं इसे लिखूंगा 1 बाय 4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर बाय 4 मी नॉट, आदि आदि दोनों में, ये सिर्फ ई के फॉर्म में, ये सिर्फ बी के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में लिखनी हो और प्लस करके तो मैं आधा आधा और कर दूंगा, ये दोनों सिर्फ ई के फॉर्म में सिर्फ बी के फॉर्म में दोनों के फॉर्म में लिखना तो ये वाला एक्सप्रेशन है। यस सर ठीक, चलो लिख लिया सबने, आगे बढ़ जाऊं? यस सर। अब देखो एनर्जी डेंसिटी से भी इंपॉर्टेंट एक दूसरा टर्म होता है और वो होता है इंटेंसिटी, तो नेक्स्ट सब हेडिंग डालना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? तो तुम लोग याद करो क्लास 11th में भी जब साउंड पढ़ रहे थे तो तुमने एनर्जी पे फोकस नहीं किया था, कभी नहीं बोला कि साउंड की टोटल एनर्जी कितनी है, किया ही नहीं, क्योंकि तुम देखो कभी करवाते ही नहीं हम लोग,
मैं भी नहीं करवाता क्लास 11 में, जब साउंड वेव पढ़ाता हूँ तो कभी साउंड की एनर्जी थोड़ी ना कराता हूँ, साउंड की लाउडनेस करवाता हूँ, साउंड की इंटेंसिटी करवाता हूँ। कुछ याद होगा अगर बीटा इज इक्वल टू 10 लॉग आई अपॉन आई नॉट, तो आई इंटेंसिटी होती थी। क्या होती इंटेंसिटी? वहां पे भी क्लास 11 में भी क्लास 12 में भी इंटेंसिटी होती है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कोई हाइपोथेटिकल एरिया ले लो और उससे एनर्जी ऐसे क्रॉस करें हिट करते हुए, तो कितनी एनर्जी क्रॉस की पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में? ए अपॉन ए टी डेल्टा टी। और ये एनर्जी जूल और टाइम सेकंड, तो जूल पर सेकंड वॉट, नीचे एरिया मीटर स्क्वायर, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर में इंटेंसिटी निकालते हैं। और इंटेंसिटी क्योंकि एनर्जी मैंने बताया निकाल ही नहीं सकते क्योंकि वेव तो लगातार आती रहती है, तो कैसे निकालते टोटल एनर्जी लाइट की कितनी है? हम निकालते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ही होती है जो ब्राइटनेस में काम आती है, इंटेंसिटी होती है जो लाउडनेस में काम आती है। बताओ एक 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 छोटा सा मच्छर है और वो एक छोटे से कमरे में, एक छोटा सा मैंने कमरा बनाया है ना, और उस कमरे में मैंने क्या किया, वो जो नहीं आते हैं जो मच्छरों के लिए बचाने के लिए वो सीट्स आती है, वो मैंने ऐसे बना दी मच्छरदानी, और उसमें मैं बंद करके बैठ गया। लेकिन उसमें एक चुपके से एक मच्छर बदमाश दुष्ट कहीं का घुस गया, और वो छोटे से एरिया में वो मच्छर जो है शोर मचा रहा है कान के पास, उनको पता नहीं शोर मचाने में मजा आता है, कान के पास मेरे शोर मचा रहा है। अब देखो मच्छर की कोई एनर्जी, उसकी जो मच्छर की जो वेव है साउंड एनर्जी है, साउंड के टर्म से बात कर रहा हूं, वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये भी तो देखो वो कम एरिया है और बहुत जल्दी जल्दी वो तुम्हारा साउंड एनर्जी पैदा कर रहा है, तो तुमको काफी ज्यादा लाउड लगेगा, मच्छर का साउंड कान में काफी लाउड लगेगा। और इसके वीजा भी अगर मैं तुमसे बोलूं, एक बड़ा सा रूम है, बहुत बड़ा रूम है, और उस बड़े से रूम में तुमने मच्छर से 10 गुना ज्यादा या फिर इनफैक्ट 100 गुना ज्यादा बड़ा एक स्पीकर भी रख दिया और उस स्पीकर से साउंड वेव पैदा हो रही है, एनर्जी ज्यादा है स्पीकर की, लेकिन वो देखो एनर्जी बड़े से रूम में फैल रही है, एरिया बड़ा है ना, और तुम काफी बड़े टाइम इंटरवल की बात करो, यहाँ से स्पीकर से एक साउंड निकाल दिया, अब तुम उसकी इंटेंसिटी देख रहे हो, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे सुनने वाले या दूसरा कोई खड़ा बंदा दूर उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसको तो मच्छर ज्यादा तंग कर रहा था जबकि मच्छर की एनर्जी कम थी साउंड की। तो इसलिए जो वेव्स होती है उनमें ओवरऑल एनर्जी मैटर नहीं करती है, उससे ज्यादा मैटर करता है कि वो एनर्जी पर यूनिट टाइम में कितनी हो रही है। जैसे तुम देखो बल्ब है, तुम्हारे रूम में जो बल्ब लगा है वो कितनी लाइट एनर्जी दे रहा है, वो कभी तुम जूल में कभी नहीं बात करोगे, बल्ब की तुम पावर देखते हो, पावर क्या होती है वॉट, क्यों देखते हो? 100 वॉट का बल्ब 60 वॉट से एक सेकंड में देखो ज्यादा एनर्जी दे रहा है, तो बल्ब की पावर देखोगे। अब तुम खुद ही बताओ एक 60 वॉट का बल्ब और एक 100 वॉट का बल्ब है, जरूरत है ना 100 वॉट का बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस दे, तुम बोलोगे ये सर कैसी बात कर रहे हो, मैं बात बिल्कुल सही कर रहा हूं। 60 वॉट के बल्ब को तुम एक छोटे से रूम में लगा दो ये देखो, और 100 वॉट के बल्ब को तुम एक बड़े से रूम में लगा दो और नीचे फिर तुम इंटेंसिटी देखो, तो तुम देखो कि 60 वॉट के बल्ब की वजह से ज्यादा इंटेंसिटी आ रही होगी, यहाँ पे सरफेस को रखो ज्यादा लाइट एनर्जी पहुंचेगी, और 100 वॉट के बल्ब से तुम देखोगे फैल जाएगी, और इवन दो इसकी पावर ज्यादा, एनर्जी पर टाइम ज्यादा बट इंटेंसिटी कम होगी। तो इसका मतलब है, मैं क्या बताना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि बल्ब क्या है, लाइट है, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स ही तो है। मैं ये बताना चाहता था कि मैटर एनर्जी नहीं करता, मैटर एनर्जी पर यूनिट टाइम भी नहीं करता, मैटर करता है बेटा एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। वही बल्ब की एनर्जी कम एरिया में होगी तो ज्यादा इंटेंस है, वही बल्ब की एनर्जी ज्यादा एरिया में फैल जाएगी तो कम इंटेंस है। साउंड है, साउंड मच्छर छोटे से एरिया में अपना वो कर लेगा तो ज्यादा इंटेंस है, ज्यादा लाउड सुनाई देगा। और एक बड़ी सी आवाज है, तुम जंगल में जाओ, जंगल में तुम्हारा 10 किलोमीटर दूर शेर दहाड़ रहा है दुधवा नेशनल पार्क में, तो तुमको उसकी इंटेंसिटी बहुत कम लग रही है क्योंकि एरिया ज्यादा है वहां पे। तो इस डिपेंड करता है अलग अलग सिनारियों में अलग अलग हो सकती है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है वेव का, इसीलिए क्लास 11th में भी जब मैं पढ़ाता हूं तो भी इंटेंसिटी फोकस करता हूं, 12th तक पढ़ाता हूं तो भी इंटेंसिटी फोकस कर रहा हूं। और ये मैं तुमको बोल रहा हूं कि ये चैप्टर अगले ऑप्टिक्स से कनेक्टेड है। ऑप्टिक्स में जब तुमको मैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, रे ऑप्टिक्स में तो नहीं आएगा खैर, वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे तुम्हें यंग्स डबल स्लिट और ये सब पढ़ाऊंगा, और वहां पे फिर तुम्हें पहुंच जाऊंगा। लाइट की हम कभी नहीं बात करेंगे, लाइट की एनर्जी की कभी नहीं बात करेंगे, कभी लाइट की पावर की भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे इंटेंसिटी की। तो तब तुम बड़े परेशान मत होना कि अरे सर हमेशा ही सिर्फ इंटेंसिटी की क्वेश्चन बुक में क्यों है, एनसीईआरटी में हर जगह इंटेंसिटी ऑफ सोर्स क्यों लिखा है, एनर्जी क्यों नहीं है, पावर क्यों नहीं है। तो अभी बता दे रहा हूं, इस चैप्टर से ही वेव ऑप्टिक्स का कनेक्शन है। ये जो वेव्स होती हैं ये कभी डील ही नहीं की जाती एनर्जी के टर्म में,
ये कहीं लिखा नहीं होगा बुक में, ये समझा रहा हूं मैं, इनका पावर भी नहीं डील करते, हम डील करते हैं इनकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी वॉट पर मीटर स्क्वायर में। इसलिए जब ऑप्टिक्स जाओगे वहां पे दो बल्ब्स हैं तो सीधे सीधे मैं बोलूंगा इसकी इंटेंसिटी आई वन, इसकी इंटेंसिटी आई टू, तो अब सीधे इंटेंसिटी वही बात होगी आगे। आज से इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर एरिया पर टाइम। तो एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं, मेरे पास एक स्पेस है, इस रीजन में ईएम वेव्स आ रही हैं ये। अब ईएम वेव से तुम बोल सकते हो सर कौन सी फील्ड आ रही है, ई आ रही है बी आ रही है, दोनों में से कोई एक ले लेते हैं यार, दोनों एक साथ तो नहीं लेंगे, परपेंडिकुलर चलती हैं, पर कोई एक तो बनानी पड़ेगी। नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी लाइट में सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी पैदा करता है, हमको जो लाइट दिखाई देती है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दिखाई देती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं दिखती, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कई बार लाइट वेक्टर भी बोलते हैं। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बता रहा हूँ, उसका कोई ऐसे ईएम वेव की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब ये मान लो कहीं पे वेव्स ऐसे आ रही हैं और वो वेव्स ऐसे चलते हुए जा रही हैं, ऐसे चलते हुए जा रही हैं, एक डेल्टा टी का टाइम इंटरवल लिया और वेव की वेलोसिटी सी है, तो डेल्टा टी के टाइम इंटरवल में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, से वेव सी डेल्टा टी की डिस्टेंस चल गई। डेल्टा टी का मैंने एक हाइपोथेटिकल टाइम लिया था, टाइम इंटरवल सी डेल्टा टी डिस्टेंस चल गई। अब डिस्टेंस अगर सी डेल्टा टी है तो मैंने एक हाइपोथेटिकल एरिया ए मान रखा है, तो ये वॉल्यूम कितना होगा, तो ये वॉल्यूम होगा एरिया इनटू लेंथ ए सी डेल्टा टी। अब अगर वॉल्यूम मुझे पता है, एनर्जी डेंसिटी मुझे पहले से पता है, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू है, तो टोटल एनर्जी कितनी है, तो मैंने बोला कि टोटल एनर्जी हम ऐसे कैसे बता देंगे वेव की कितनी, मुझे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम बताओगे तो मैं बता दूंगा, तो बताने जा रहा हूं। देखो टोटल एनर्जी कितनी है, तो मेरे पास एनर्जी डेंसिटी यू, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी आ जाएगी, तो ये एनर्जी आ गई जूल पर मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करके इतनी एनर्जी है मेरे पास, ये टोटल एनर्जी है। लेकिन मुझे टोटल एनर्जी कब निकालनी थी, मुझे तो इंटेंसिटी निकालनी थी, इंटेंसिटी को आई से डिनोट करते हैं, तो इंटेंसिटी आई कितनी होगी, तो मैं बोलूंगा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, टोटल एनर्जी जो इस स्पेस से निकली वो थी यू ए सी डेल्टा टी, कितने एरिया से निकली, ए, ये देखो ए, इस एरिया ए, ये देखो एरिया ए से क्रॉस करते हुए एनर्जी निकली, कितने टाइम में निकली, डेल्टा टी टाइम में, जो कट जाए वो काट दो, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो यू इंटू सी, यही फॉर्मूला होता है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है आई इज इक्वल टू यू इंटू सी, इसका मतलब है इंटेंसिटी आती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ए नॉट स्क्वायर इंटू सी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए नॉट स्क्वायर इंटू सी, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये याद रखना, जे मेन पे क्वेश्चन बनेंगे तो यही दो चार पॉइंट हैं जिनपे बन सकते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला यू इंटू सी या हाफ एप्सिलॉन नॉट ए नॉट स्क्वायर इंटू सी या b नॉट स्क्वायर बाई टू मी नॉट इंटू सी, यू सी होता है, यू जो अभी लिखा था लास्ट स्लाइड में उसे सी मल्टीप्लाई कर दो, ये लिख लो सब लोग, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की विजिबिलिटी से लाइट का क्या रिलेशन है, हम लोगों को जैसे मान लो कहीं रूम में लाइट है तो उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, लेकिन हमारी आईज में जब ये लाइट पहुंचती है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है वो हमारी आईज में विजिबिलिटी पैदा नहीं करता, हमारी आईज उसको सेंस ही नहीं कर सकती, हमारी आईज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस कर सकती है, नेचर है, वो बी नहीं होता है, वो ई होता है, कैसे पता, ऑब्जर्वेशन जो मतलब मैक्सवेल ने किए होंगे, तो भाई बी हमारी आईज में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड डाले जाए तो सेंसेशन नहीं पैदा करेंगे, बट ई सेंसेशन पैदा करता है, इसलिए ई को हम लोग बोलते हैं लाइट वेक्टर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें ई और बी दोनों नहीं दिखती, हमें सिर्फ ई दिखती है। हमको क्या, किसी भी एनिमल को बी नहीं दिखती, ई दिखती है।
सर मीडियम बदलने से इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी ना? मीडियम बदलने से इंटेंसिटी मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि अगर हम हाफ एप्सिलॉन डी नॉट की स्क्वायर के बजाय वहां पे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन करेंगे, ये कह रहे हो? यस सर। मैं उल्टा बोलूंगा, मैं बोलूंगा जैसे मान लो लाइट 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, बल्ब है मेरे कमरे में, इंटेंसिटी लाइट की बल्ब जो है वो 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। अब मैं इस कमरे में हवा भरी हुई थी, कमरे में हवा निकाल दूं, वैक्यूम बना दूं, या हवा की जगह पूरे कमरे में पानी पानी भर दूं, पूरा कमरा मैंने पानी से भर दिया, तो ऐसा तो होने की बल्ब 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर से 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर या 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर का देगा? नहीं, उतनी एनर्जी है। तो अब ये तुम बोलोगे ऐसा कैसे सर, तो कुछ तो बदलेगा। तो मैं बोलूंगा आई वही है, हाफ वही है, लेकिन सी बदल गया। सी है ना लाइट की स्पीड। मीडियम बदलने सी बदल गया, एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाए, और हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड भी बदल जाए, लेकिन एनर्जी थोड़ी ना बदल जाएगी, एनर्जी वही है। हो सकता है कि ये सारी वैल्यूज बदल जाए, सी बदल जाए, एप्सिलॉन नॉट बदल जाए, ई नॉट बदल जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल जाएगी एम्पलीट्यूड की, बट इंटेंसिटी वही रहेगी, एनर्जी कंजर्वेशन। मीडियम बदलने से एनर्जी नहीं बदलेगी, मीडियम बदलने से लाइट की स्पीड, एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बदलेंगे, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। यस सर, मतलब जो एप्सिलॉन नॉट चेंज होगा वो ई नॉट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा सर, वो सब आपस में बैलेंस हो जाएंगे। हाँ, वो आपस में बैलेंस हो जाएंगे, ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल वो सर वॉल्यूम वाला फैक्टर ही एक्सप्लेन कर देंगे सर, ए टाइम्स सी डेल्टा टी। हाँ देखो, मान लो लाइट को डेल्टा टी का टाइम मिला और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से डेल्टा टी टाइम में वो कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस है। और मैंने एक हाइपोथेटिकल, ये हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है, कोई रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर मैंने बनाया है, तो इस हाइपोथेटिकल सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ में हमको क्या क्या पता है, तो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए माना है और लेंथ सी डेल्टा टी आ रही है, इसलिए वॉल्यूम बन गया ए सी डेल्टा टी। अब ये वॉल्यूम है तो एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी आ गई, उसको एरिया और टाइम से डिवाइड कर दो तो इंटेंसिटी आ जाएगी। लिख लिया? Yes. आगे बढ़ते हैं। हमें एनर्जी डेंसिटी पता है, हमें इंटेंसिटी पता है, मैंने तुमको बोला था लास्ट क्लास में कि ईएम वेव इज प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, तब भी किसी ने पूछा था कि इसे मोमेंटम कैसे आएगा, मैंने क्वेश्चन याद रखा था, मैंने बोला था आगे जाके बताऊंगा, देखो एनर्जी भी बता दी अब मोमेंटम बताने जा रहा हूं। कोई भी वेव जब चलती है तो वो एनर्जी और मोमेंटम लेके चलती है, तो मोमेंटम यहाँ पे भी है। अब तुमको कि मोमेंटम मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम बी, ज्यादा ज्यादा एंगुलर मोमेंटम एम बी आर, लेकिन यहाँ पे मास कहाँ है, किसका मास, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ मास होता है? यहाँ पे आके मैं बेटा तुमको बताऊंगा कि जो हम लोग ईएम वेव, जिसको हम लोग ईएम वेव कहते हैं, वो एक्चुअली डुअल नेचर की होती है। वो अगले देखो फिर चैप्टर से कनेक्शन, उस ईएम वेव का डुअल नेचर होता है और ये डुअल नेचर का एक चैप्टर है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वहां पे तुमको मैं बताऊंगा कि जो ईएम वेव है उनका डुअल नेचर है, वो वेव की तरह भी बिहेव करती हैं जिनमें मास नहीं होता और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती हैं। पार्टिकल मतलब जिनमें मास होता है, जिनमें मोमेंटम होता है, सारी ईएम वेव लाइट इंक्लूडिंग पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं, जितनी भी ईएम वेव इंक्लूडिंग लाइट है उनमें एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल होता है, फॉर एग्जांपल लाइट एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोन,
फोटोन एक चैप्टर है तुम्हारे में, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, विद इन ए मंथ हम लोग उसको करेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, जिसमें बताऊंगा कि सारी ईएमवेव में एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल होता है फोटोन। हाइपोथेटिकल क्योंकि किसी ने देखा नहीं, बट इस फोटोन के बारे में सबने एक थ्योरी बना दी है, उसको बोलते हैं फोटोन मॉडल ऑफ लाइट, और लाइट वाले मॉडल को स्ट्रेच कर दिया एक्सरे के लिए भी, गामा रेज के लिए भी, सारी ईएमवेव के लिए, रेडियो वेव्स के लिए भी। फोटोन मॉडल ये कहता है कि लाइट या सारी ईएमवेव एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल फोटोन से मिली होती है, जिनका कोई रेस्ट मास नहीं होता। जब ये लाइट रुकी हो तो रेस्ट मास जीरो है, बट क्वेश्चन तो ये ना लाइट रुकी कब होती है, कभी रुकी नहीं होती, बट उसके रुकी हो तो रेस्ट मास जीरो इन पार्टिकल का। बट ये फोटोन एनर्जी के बंडल होते हैं और इनकी एनर्जी होती है एच नू या एस सी बाय लैम्डा, फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होती है, ये एनर्जी होती है इनकी, हर फोटोन की, पर फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी एस सी बाय लैम्डा, एच जहां पे प्लैंक कॉन्स्टेंट है, सी लाइट की स्पीड है, वेवलेंथ लैम्डा वेवलेंथ है, न्यू फ्रीक्वेंसी, एच प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड, सी लाइट की स्पीड है 3 × 10^8, लैम्डा और न्यू मैंने नहीं दिया क्योंकि अलग अलग वेव का अलग अलग होता है, बहुत कम आती है एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है वो। अब ये फोटोन मोमेंटम भी कैरी करते हैं, इनमें मोमेंटम भी होता है, कितना होता है वो मोमेंटम, तो उनका मोमेंटम होता है बेटा एनर्जी बाई सी, इसको सी से डिवाइड कर दो तो एच अपॉन लैम्डा, इनका मोमेंटम होता है एच बाई लैम्डा, कहीं पढ़ा होगा केमिस्ट्री में उल्टा करके पढ़ा देते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वो यहीं से आता है फोटोन मॉडल से। तो फोटोन में मोमेंटम होता है एच अपॉन लैम्डा वेवलेंथ के इनवर्स ई बाई सी, इसी चीज का यूज करने जा रहा हूं। अगर फोटोन में मोमेंटम होता है पार्टिकल की तरह होते हैं, मोमेंटम मतलब एमबी, यानी कि जब चलते हैं तो उनमें मास भी होता है, तो अगर मुझसे पूछे मास होता है तो बिल्कुल होता है, मास क्या होता है तो पी इज इक्वल टू एमबी, मोमेंटम को सी से डिवाइड कर दो तो इनका मास होता है एच अपॉन सी लैम्डा, इसको सी से डिवाइड कर दिया क्योंकि इनकी वेलोसिटी मोमेंटम है ना, उसको एम वी समझ लो, एम इंटू सी समझ लो, तो एम सी की वैल्यू अगर एच अपॉन लैम्डा है तो एम यानी इनका मास एच अपॉन सी लैम्डा होता है, इसको बोलते हैं डायनेमिक मास, रेस्ट मास जीरो होता है, डायनेमिक मास एच अपॉन सी लैम्डा होता है। अब ये चीजें बाद में बतानी थी, बट मुझे मोमेंटम बताना था इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि ईएम वेव जब चलती तो ऐसे समझो कि पार्टिकल चल रहे हैं, फोटोन ईएम वेव चल रही है तो ऐसे समझो कि पार्टिकल चल रहे हैं, पार्टिकल चल रहे हैं, ईएम वेव चलने का मतलब पार्टिकल चलना है, जी पार्टिकल चल रहे हैं, छोटे 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 फोटोन आ रहे हैं, ऐसे समझो, इमेजिन करो, और ये सब मोमेंटम लेके आ रहे हैं, मोमेंटम लेके आ रहे हैं, मोमेंटम लेके आ रहे हैं, तो जब ईएम वेव चलती है तो उनमें भी मोमेंटम होता है, कितना मोमेंटम होता है, तो ईएम वेव का मोमेंटम यानी कि जितने भी फोटॉन्स आए उन सबका मोमेंटम, तो जितने भी फोटोन आए उनका मोमेंटम, तो जितने भी फोटोन मान लो से एन फोटॉन्स आए, कुछ मान लेते हैं पर यूनिट टाइम या पर सेकंड मान लें, तो एन फोटॉन्स का मोमेंटम कितना होगा, एन इंटू एक फोटोन की, मतलब एन फोटॉन्स और हर फोटोन की मोमेंटम कितना है पी, और पी की वैल्यू ई बाई सी, यहाँ पे ई क्या है एक फोटोन की एनर्जी डिवाइड बाई सी, तो एक फोटोन की एनर्जी मल्टीप्लाइड में जितने फोटोन आए, तो मतलब सारे फोटोन्स की एनर्जी, सारे फोटोन्स की एनर्जी मतलब पूरी जो वेव की एनर्जी हो, तो पूरी जो एनर्जी हो उसको c से डिवाइड कर दो तो तुमको ईएम वेव से मोमेंटम मिल जाएगा। अब तुम यहां पे एक चीज ध्यान रखना, मैकेनिक्स में क्लास 11th में क्या करते थे, मैं तुमको बस डिफरेंशिएट करने के लिए बता रहा हूं, वहां पे तुम लिखते थे मोमेंटम होती है काइनेटिक एनर्जी k²/2m, यहां पे नहीं है, k काइनेटिक एनर्जी होती थी, यहां पे e²/2m जैसा कुछ नहीं, यहां पे मोमेंटम एनर्जी बाय c होता है, ये 11th में पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे, ये मैकेनिकल पार्टिकल्स के लिए, वेव के लिए, दोनों में डिफरेंस है, चाहो तो लिख लो, ये लिख लेना, मैकेनिकल पार्टिकल्स के लिए आज भी यही फॉर्मूला है, बट वो लेकिन फोटॉन्स के लिए, फोटॉन्स के लिए फॉर्मूले मैकेनिकल पार्टिकल से डिफरेंट होते हैं, वो एनर्जी बाय सी टाइप होते हैं, ये k²/2m टाइप नहीं होते। सर वो m टाइम्स c क्या है, ये मोमेंटम है, p इज इक्वल टू mv की तरह लिखा है, तो mv v मतलब फोटॉन की वेलोसिटी मतलब लाइट की वेलोसिटी, यस सर, सर
ये कैसे पॉसिबल है कि रेस्ट मास जीरो है, फिर डायनेमिक मास, कोई मास आ गया अपने आप चलने से? ये इसका यही तो यूनिक चीज है. रेस्ट मास जीरो का मतलब है कि जब ये रुके हो तो कोई मास नहीं. अगर इनमें रुके हुए तो मास होता तो फिर हम लोग लाइट को वे कर सकते. क्या लाइट को वे करने पे भी लाइट का कोई मास आएगा? तुम लाइट को कहीं पे कैप्चर कर लो, उसका मास मेजर करो, कुछ आएगा? नहीं आएगा. नो सर। हाँ, इसीलिए रेस्ट मास जीरो. लेकिन चलती है तो फिर मोमेंटम भी है. और मोमेंटम कैसे पता चला? तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट है, तुमको बताऊंगा. ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर में यस, लाइट जब चलती है तो मोमेंटम होता है. अभी एक और चीज बताऊंगा, रेडिएशन प्रेशर, अगले टॉपिक बताने जा रहा हूँ. मोमेंटम होता है, मोमेंटम वाली बिल्कुल जैसे नहीं बॉल्स का नहीं होता था. एक बॉल मोमेंटम क्या होता है भाई? एक एम मास की बॉल हो, वी वेलोसिटी जा रही है, एम बी उसका मोमेंटम है. सामने एक दीवार रख दो, दीवार पे हिट करेगी, और हिट करेगी तो फोर्स लगाएगी. क्या लगाएगी? फोर्स. फोर्स बॉल को एक हिट कर दो तो फोर्स नहीं लगाती है. अब मैं तुमको बताऊं, अगर लाइट में मोमेंटम ना होता होता तो लाइट की बीम को अगर एक वॉल पे डालो तो कोई फोर्स ना लगाती. लेकिन सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, आश्चर्य करने वाली बात है कि लाइट की बीम को अगर तुम किसी सरफेस पे डाल दो तो लाइट की बीम भी हल्का सा उस पर प्रेशर और फोर्स लगाती है. और हल्की फुल्की मतलब अगर हो तो डिवीट भी कर सकती है, इसको धक्का मार सकती है, धक्का मार सकती है लाइट सरफेसेस को, धक्का बिल्कुल मारती है लाइट की. अगर तुम बीम को किसी टेबल पे डालो तो बहुत माइन्यूट ही सही, बट उस पर धक्का मारती है. अब धक्का कैसे मारती है? धक्का तो बॉल्स मारती थी जिनमें मोमेंटम होता था. फोर्स तो वही लगाएगी, फोर्स तो वही लगाएगा ना, इसके पास मोमेंटम होगा. मोमेंटम है लाइट के पास लेकिन मास नहीं है. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक थ्योरी बनाई. यही तो इसी के लिए तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, यही समझाने के लिए. इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यही है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यहीं से आएगा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. ये देखो मोमेंटम लिखा पी इज इक्वल टू ई बाई सी, तो जो एनर्जी बनेगी वो बेटा क्या बनेगी? एम सी इंटू सी, तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. यही तो इसी के लिए तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, यही बताने के लिए उसको कि जब ये फोटोन अजीब पहेली बने हुए हैं इंसानों के लिए 100 सालों से, ये अजीब सी चीज है जिनमें ऐसे तो कोई मास नहीं है लेकिन लाइट को जब सरफेस पे डालो तो एनर्जी है. भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही तो होता है, लाइट को डालते हैं सर्फेस पे, उसकी लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बनके करंट बनके दौड़ने लगते हैं. सोलर सेल में ये यूज होता है. तो कहां से आ गई भाई लाइट के पास एनर्जी? वो कैसे वो सरफेस पे डाल के एनर्जी वो आ रही है? तो वो वही बता रहा हूँ, ये इन फोटॉन्स के पास मोमेंटम होता है. लेकिन कैसा मोमेंटम? मास भी है लेकिन वो एक्चुअल में तो वे आती नहीं है. तो उसी को एक्सप्लेन करते हैं कि रेस्ट मास अगर रुके होते तो जीरो होता, बट चलने से, यही चीज है, चलने से मास पैदा हो जाता है. तुमको दुनिया का बताऊं, यूनिवर्स का बेसिक प्रिंसिपल ही यही है कि मास को कोई और नहीं क्रिएट करता, एनर्जी क्रिएट करती है. एनर्जी मतलब चलना. एनर्जी से मास बन सकता है, मास से एनर्जी बन सकती है. रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? एनर्जी देखो, मास से एनर्जी बनती है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. मास टूटता है, 1 MeV 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पैदा हो जाती है. फिर उस्मान नागासाकी में क्या हुआ? बम के वो यूरेनियम टूटा, उसकी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. फिजिक्स में हर चीज का पेयर होता है. अगर मास से एनर्जी बन सकती तो एनर्जी से भी मास बन सकता है. जब तक ये रुका था, एनर्जी नहीं थी तो मास जीरो था, लेकिन जब चलने लगा एनर्जी आ गई तो मास बन गया. यही तुम्हारा बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूँ, यही है. एनर्जी से मास, मास से एनर्जी बन सकती है. और यही तुम समझाना तो तुम्हारा आइंस्टीन का, इसीलिए तो आइंस्टीन को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, जिसने उसने ये पहेली एक्सप्लेन कर दी. क्या कह रहे हो बेटा? एक सेकंड, पीछे वाली स्लाइड, इसकी वैल्यू है, पीछे वाली स्लाइड. आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की, साफ साफ बोलो थोड़ा. यस सर, हो गया सर. एनर्जी बिना मास के एग्जिस्ट कर सकती है? एनर्जी बिना मास के एग्जिस्ट कर सकती है अगर हम लोग यहाँ पे इसको फोटोन को जीरो मास ले लें. लेकिन मैंने बताया ना, यहाँ पे फोटोन के पास मोमेंटम भी है और मास भी है. तो एनर्जी जो है मास के साथ एग्जिस्ट कर रही है, और एनर्जी बिना मास के बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकती है. जैसे एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, मास डिके हो गया, वो मास पूरा कन्वर्ट होकर एनर्जी में मिल जाए, मास बर्न हो जाए, मास का अस्तित्व तो खत्म हो गया, एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, और वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. रेडियो एक्टिविटी में यही तो होता है. लेकिन अब देखो, इसी को मैं खुद ही काउंटर कर दे रहा हूं कि वो जो एनर्जी कन्वर्ट भी हुई उसको भी देखने के दो तरीके हैं. डुअल नेचर है, डबल है ना. तो तुम उसको इसका, अगर तुम उसको सिंपली वेव या सिंपल पार्टिकल बोलने की कोशिश करोगे तो आंसर ही नहीं मिलेगा. उसका डुअल नेचर है, दोहरा नेचर है. कई मामलों में वो सिर्फ वेव है जिसमें कोई मास नहीं है, मतलब एनर्जी विदाउट मास एग्जिस्ट कर रही है, और कई मामलों में वो मास की तरह बिहेव करती है. यही तो ड्यूअल नेचर है, दोनों की तरह वो जिस करती है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग बिहेव करती है, ऑब्जर्वर के हिसाब से अपनी चीजें बदल लेती है. लाइट भी ऐसा करती है,
इलेक्ट्रॉन भी ऐसा करते हैं, तुमको बताऊं, इलेक्ट्रॉन जो है वो कई मामलों में सिर्फ वेव की तरह एग्जिस्ट करते हैं, पार्टिकल की तरह एग्जिस्ट नहीं करते. वर्नर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगर वो पार्टिकल होते तो बताओ ना वो कहाँ पे है, नहीं बता सकते क्योंकि वो वेव की तरह घूमते रहते हैं. इलेक्ट्रॉन एटम के भीतर पार्टिकल है ही नहीं, गलत पढ़ा है हम लोगों ने, या हम लोगों ने पार्शियल स्टोरी पढ़ी है. हम लोग आधी अधूरी स्टोरी पढ़ते हैं और फिर बाद में जाके उसको खुद ही काउंटर करते हैं, नहीं ऐसा होता ही नहीं. वो जो बोर मॉडल पढ़ते हैं हम लोग, अभी मैं भी तुम लोगों को बोर मॉडल पढ़ाऊंगा एटम में, लेकिन बाद में आके बोलूंगा ये तो आधी अधूरी पिक्चर है, इलेक्ट्रॉन तो वेव की तरह चलते हैं. मुझे रेडियस वेडियस बता रहे हैं, सब फालतू में बता रहे हैं, बट क्या करें, सिंपल चीजों से स्टार्ट करते हैं हम लोग. बोलो बेटा, ये समझ में आ गया मोमेंटम वाला पॉइंट एनर्जी वाइज? सी सर, p इज इक्वल टू वो mc कैसे है बेटा? mb, p इज इक्वल टू mb मोमेंटम, अभी तो बताया था. अच्छा ओके सर, सब स्पीड ऑफ लाइट है. फोटोन भी लाइट की स्पीड से चलते हैं, ये मतलब जो भी mb की वेलोसिटी होगी. चलो आगे बढ़े. यस, तो एक और चीज जिससे जेई मेंस में क्वेश्चन बनते हैं, पूछे भी गए हैं, वो है रेडिएशन प्रेशर. रेडिएशन प्रेशर, और ये तुमको मैं बताऊं ना, सच में एक्सपेरिमेंट है कि अगर मान लो जैसे एक सरफेस लो, ये एक सरफेस है, से ग्लास की सरफेस, उसके ऊपर मैं लाइट की बीम डालना हूं, इसके ऊपर मैं लाइट की बीम डालना हूं, ये देखो मैंने लाइट की बीम डाल ली, तो लाइट की बीम में कोई पार्टिकल तो है नहीं, ऐसा होना चाहिए भाई. भाई एनर्जी आ रही है तो ये तो समझ में आता है कि एनर्जी आई तो थोड़ी देर में ये जो सरफेस है थोड़ी सी हीटेड अप हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, ये तो सबको कॉमन सेंस से समझ में आता है. हाँ, एनर्जी वाली बात समझ में आती है, लेकिन प्रेशर, प्रेशर तो यार फोर्स अपॉन एरिया होता है. और फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, मोमेंटम में चेंज. मोमेंटम में चेंज क्या होता है? मोमेंटम में चेंज तो उसी का होगा जिसके पास मोमेंटम होगा, यानी कि मास होगा. लेकिन तुमको बताऊं ये सरप्राइज, लाइट जब किसी सरफेस पे डाली जाती है, एक्सपेरिमेंट करके देखेगा, वो बुक में क्वेश्चन भी है, तो वो सरफेस पे प्रेशर लगाती है, लगाती है, बिल्कुल लगाती है, उसको रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं. लाइट ही नहीं, सारे रेडिएशन डालते हैं. और लाइट से जो बड़े एनर्जी वाले जैसे एक्सरे हैं, गामा रे, वो और बड़ा प्रेशर डालेंगे. लाइट से जो छोटे हैं जैसे इंफ्रारेड है, रेडियो वेव्स, वो कम प्रेशर डालेंगे. बट प्रेशर लगाती है, भले ही माइनूट लगाती हो, निकाल भी सकते हो, निकालने जा रहे हैं, देखो निकालने आ रहे हैं. लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ती है, वेव जब किसी सरफेस पे पड़ती है, तो इट इज इक्विवेलेंट की उस सरफेस पे फोटॉन्स की बॉल पड़ रही है, ऐसे धर 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 बॉल आ रही है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बॉल, टाइनी टाइनी बॉल, छोटी छोटी बॉल्स सरफेस पे धार 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 गिर रही है बॉल्स. एक किसी सरफेस पे बॉल धार 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 गिर रही है तो उस पर मारेंगे ना, हिट करेंगे, फोर्स मारेंगे, फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो फोर्स अपॉन एरिया से प्रेशर भी आएगा. कितना आएगा वो निकालने जा रहे हैं. तो मान लो किसी सरफेस पे हम लोगों ने ये डाला, और अभी मैंने तुमको इन बताया था कि मोमेंटम होता है इनका फोटोन का ई बाई सी, तो से n फोटॉन्स पर सेकेंड किसी सरफेस पे हिट किए, हर फोटोन की एनर्जी e थी, तो इनका एक मोमेंटम था. कितना मोमेंटम था? तो मैं लिख लेता हूं इनिशियल मोमेंटम. अब पी से प्रेशर कंफ्यूज मत होना, तो मैं मोमेंटम ही लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोग पी से प्रेशर समझ लोगे. इनिशियल मोमेंटम इन सारे फोटॉन्स का कितना था? तो मोमेंटम एन फोटॉन्स का, और हर फोटॉन का मोमेंटम ई बाई सी. फाइनल कितना है? तो दो पॉसिबिलिटी है यहां पे आके. पहली पॉसिबिलिटी है कि जो सरफेस है वो फुल्ली एब्जॉर्बिंग टाइप है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सरफेस फुल्ली रिफ्लेक्टिंग टाइप है. अगर सरफेस फुल्ली एब्जॉर्बिंग है तो वो क्या करेगी, ये फोटोन की जो बॉल से वो आई तो टकराई तो, बट एब्जॉर्ब करने के बाद वो रुक गई, रेस्ट पे आ गए फोटोन. ये बिल्कुल वैसे जैसे नहीं बॉल परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्लास 11 में किया था, बॉल आई टकराई और रुक गई सरफेस के साथ, बिल्कुल रेस्ट पे आ गई. और फुल्ली रिफ्लेक्टिंग अगर याद करो तो ऐसा कुछ केस क्या होगा, बॉल आई एमबी से और बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एमबी से ही वापस चली गई. फुल्ली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फुल्ली रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्लास 11 में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जैसा कोलिजन हो रहा है. ये फोटॉन्स का क्या हो रहा है? सरफेस के साथ कोलिजन हो रहा है, कोलिजन में मोमेंटम चेंज हो रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स अपॉन एरिया से प्रेशर निकालेंगे. मोमेंटम है, और ये तो बोल रहा हूं मोमेंटम है, इसी से तो प्रूव होता है कि इनके पास मास है.
फुल्ली रिफ्लेक्टिंग परफेक्टली इलास्टिक, फुल्ली अब्सॉर्बिंग परफेक्टली इनइलास्टिक. तो अगर रेस्ट में आ गए तो फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया, और अगर फुल्ली रिफ्लेक्टिंग है तो जितने मोमेंटम से आए थे एनी बाई सी से उतने ही से वापस चले गए एनी बाई सी से. बट मोमेंटम वेक्टर होता है, तो अगर आई प्लस एनी बाई सी तो माइनस एनी बाई सी से वापस हुए, तो चेंज कितना हुआ पहले केस में, दूसरे केस में चेंज कितना हुआ मोमेंटम का. तो इसे जगह बना देता हूं, ये इनिशियल मोमेंटम था एनी बाई सी, चेंज कितना हुआ, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसमें चेंज हुआ जीरो माइनस एनी बाई सी. माइनस से मुझे कोई मतलब, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए. इसमें कितना चेंज हुआ, माइनस एनी बाई सी से माइनस एनी बाई सी, माइनस का टू एनी बाई सी, ये माइनस एनी बाई सी, ये मोमेंटम में चेंज है. लिख देता हूं चेंज, चेंज किसका चेंज, साफ साफ लिख देता हूं मोमेंटम, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गए. चेंज इन मोमेंटम, अब मोमेंटम में चेंज आ गया तो फोर्स निकल आएगा, कैसे निकलेगा, तो पहले केस में फुल्ली एब्जॉर्बिंग के केस में फोर्स निकलेगा एनी बाई सी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, दूसरे केस में निकलेगा टू एनी बाई सी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. फोर्स निकल आया तो प्रेशर भी निकल आएगा, कितना प्रेशर आएगा, तो अब मैं मोमेंटम को कहीं पी लिखा नहीं हो, तो अब मैं प्रेशर को लिखने जा रहा हूँ पी. कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, कलर लेता हूँ व्हाइट. तो प्रेशर मैं लिखूंगा फोर्स अपॉन एरिया, तो पहले केस में लिखने वाला हूं मैं एनी अपॉन एरिया सी डेल्टा टी, दूसरे केस में लिखने वाला हूं टू एनी अपॉन ए सी डेल्टा टी. तो प्रेशर कितना, अब देखो क्या एक फोटोन की एनर्जी ई, एन फोटॉन्स की एनर्जी एनी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को मैं इंटेंसिटी बोलता हूं, जिसको आई बोल दूं, और नीचे एक सी बच रहा है, तो मेरा रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर मतलब रेडिएशन का प्रेशर, पहले केस में आई बाय सी और दूसरे में जस्ट डबल है तो टू आई बाय सी, यही होता है मेरा रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला. रेडिएशन प्रेशर आई बाय सी टू आई बाय सी, आई बाय सी होता है फुल्ली एब्जॉर्बिंग केस में और 2i by c होता है फुल्ली रिफ्लेक्टिंग केस में. जी लिख लो पूरा, जब लिखोगे तो मैं खुद ही समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन कोई बड़ी नहीं है, बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है. ये रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला है, i by c है 2i by c, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी सरफेस है. यूनिट से देख लो, यूनिट और डायमेंशन से चेक करो, इसकी डायमेंशन प्रेशर क्या आएगी. आई जो होता है ना वॉट पर मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, उसको मीटर पर सेकंड से डिवाइड करो, देखना प्रेशर यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की डायमेंशन बन जाएगी, करके देख लो यूनिट.
लिख लिया? नो सर। लिख लो, लिख लो, आराम से। सर फुल्ली अब्जॉर्बिंग वाले केस में मोमेंटम तो जीरो है ना, तो आपने चेंज इन मोमेंटम में जीरो माइनस एनी वाई सी कैसे लिखा? बेटा फाइनल मोमेंटम जीरो, इनिशियल जो है एनी वाई सी आई तो थी ना, मोमेंटम से चल के तो आई है। वाला हाँ सर ठीक है। सर अगर लाइट ट्रांसमिट हो रही है तो कोई प्रेशर लगेगा? देखो अगर लाइट ट्रांसमिट हो रही हो बिल्कुल विदाउट चेंज इन मोमेंटम, मतलब जैसे आई थी बिल्कुल वैसे चली गई, तो मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, तो कोई फोर्स नहीं, कोई प्रेशर नहीं। और अगर चेंज हो रहा है तो फिर हम निकाल सकते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी से। हो गया देख लिया सबने? आगे बढ़ जाऊं, किसी का छूट तो नहीं रहा? अच्छा मेरा लिख लिया। चल आगे बढ़ूं? यस सर। चलो तो एक और मुझे ये चीज करानी, फिर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं, और वो है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर की डिफिनेशन में लिख दे रहा हूं, पॉइंटिंग वेक्टर इज ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ विच गिव्स एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एंड डायरेक्शन ऑफ विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। तो एक पॉइंटिंग वेक्टर एक वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड जिसका है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम तो भाई इंटेंसिटी होता है, यानी कि ये वॉट पर मीटर स्क्वायर में इंटेंसिटी ही देता है किसी पर्टिकुलर स्पेस पे। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कितनी होती थी? यूसी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। और डायरेक्शन जो होती है वो एनर्जी के चलने की डायरेक्शन है। एनर्जी के चलने की डायरेक्शन को हम लोग सी लिखते हैं, जो कि ई क्रॉस बी के अलॉन्ग होती है। ई क्रॉस बी के अलॉन्ग होती है, ई क्रॉस बी नहीं होती। ई क्रॉस बी तो एक वेक्टर है, ई क्रॉस बी के अलॉन्ग होती है। तो जो ये पॉइंटिंग वेक्टर होता है, ये पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली जी होता है। पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर इज गिवन बाय ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अब देखो म्यू नॉट तो एक स्केलर है, तो ई क्रॉस बी से डायरेक्शन तो आई गई। अब ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट ये इंटेंसिटी कैसे देता, तो वो मैं तुमको ब्रैकेट में बता दे रहा हूं। वैसे पॉइंटिंग वेक्टर यही होता है, ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट। और मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूं। पॉइंटिंग वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो ई क्रॉस बी, दो वेक्टर का क्रॉस,
एवी दो वेक्टर का क्रॉस होता है एबी साइन थीटा, तो इसमें ई की वैल्यू आएगी ऑब्वियसली, ई एक वेरिएबल है तो आरएमएस वैल्यू, बी की वैल्यू भी आरएमएस वैल्यू, तो ई और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ई आरएमएस को ई आरएमएस रहने देता हूँ, म्यू नॉट को म्यू नॉट रहने देता हूँ, बी आरएमएस मैंने तुमको बताया था कि ई आरएमएस डिवाइडेड बाय बी आरएमएस की वैल्यू सी होती है, तो अगर ई आरएमएस और बी आरएमएस की वैल्यू सी है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी आरएमएस की जगह ई आरएमएस डिवाइडेड बाय सी, देखो यहाँ से लिख सकता हूँ बी आरएमएस डिवाइड बाय सी, साइन 90 तो बन हो ही गया, तो ये बन गया ई आरएमएस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इनटू सी। अब मैं क्या करूं, ये जो आया है इसमें यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, इसमें सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा टी नीचे सी स्क्वायर म्यू नॉट, ऊपर ये बन जाएगा ई आरएमएस का स्क्वायर इनटू सी। अब मुझे एक और चीज मालूम है कि सी की वैल्यू होती है 1/√μ0ε0, अगर सी की वैल्यू 1/√μ0ε0 होती है तो जो सी स्क्वायर है वो होता है 1/√μ0ε0, तो अगले स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूँ सी स्क्वायर इंटू म्यू नॉट, देख लो सी स्क्वायर इंटू म्यू नॉट को लिख सकता हूँ 1/√ε0। अब सी स्क्वायर म्यू नॉट की जगह अगर 1/√ε0 लिखोगे तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर ही आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर इंटू सी। अब लास्ट स्टेप, क्या मुझे ये भी तो पता है कि भाई जो ई आरएमएस होता है वो ई नॉट बाई रूट टू होता है, एसी है ना साइनोसॉइडल, तो ये एसी में पढ़ाया होता तुमको एसी करंट में, ई आरएमएस ई नॉट बाई रूट टू होता है। yes, sir, yes. तो यहाँ पे ई नॉट बाई रूट टू रख दोगे मुन्ना तो रूट टू का स्क्वायर हाफ बन जाएगा, तो बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ए नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी, और ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ए नॉट का स्क्वायर इनटू सी, एनर्जी डेंसिटी इनटू सी इंटेंसिटी देता है, तो इसका मतलब है देखो आ गया इसका मैग्नीट्यूड बन गया इंटेंसिटी, डायरेक्शन तो ई क्रॉस बी यानी कि लाइट के वेव के चलने के अलोंग हो ही गया ई और बी दोनों के परपेंडिकुलर, तो यही हमारा पॉइंटिंग वेक्टर होता है, ये एज इट इज पूछा जाता है पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट, और देखो मैंने डिराइव करके दिखा दिया कि ये इंटेंसिटी देता है, यही तुमको मुझे लास्ट बताना था पॉइंटिंग वेक्टर ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट। अब मैं तुमको कराऊंगा कुछ न्यूमेरिकल, लिख लिया? नो सर। यस नहीं लिख लो, लिख लो आराम से। ये पॉइंटिंग वेक्टर है ना, इसको ये मत पढ़ लेना पॉइंटिंग, ये नहीं है, ये वाई है, ये किसी का नाम है,
अपना आंसर। ओके सर, इसका यूज क्या है? इसका यूज है अगर हमें कहीं पे पॉइंटिंग वेक्टर एक्सप्रेस करना होगा जिसमें हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एंड डेंसिटी की सब बता सकें तो उसमें यूज करेंगे। लिख लें यहां तक? चलो क्वेश्चन करते हैं। तो एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ तुम्हारी बुक का है और समझना है इसको। अच्छा क्वेश्चन, इसी टाइप के जेईई मेन में क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन ये है कि एक बल्ब है, बल्ब मतलब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एक बल्ब है यहाँ पे, इसके पावर है 100 वॉट। इस बल्ब से लाइट एनर्जी निकलेगी चारों तरफ, तो तुमको बताना है कि इस बल्ब से 2 मीटर डिस्टेंस पे, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है पी जो कि इससे 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो इस 2 मीटर की डिस्टेंस, अब इस पी से कंफ्यूज मत, तो ये तो पावर है 100 वॉट, तो इसका मैं पॉइंट यहाँ पे इसको ए लिख देता हूँ। ए एक पॉइंट है जहां पे रेडियस 2 मीटर पे है, तो इस 2 मीटर पे जब यहाँ पे वेव्स आएंगी तो तुमको बताना है कि यहाँ पे जो वेव्स आ रही है उनमें ई नॉट कितना है, वी नॉट कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना है। पहले बताओ बेटा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एक बल्ब से चारों तरफ ईएम वेव्स निकल रही हैं और ये ईएम वेव्स तुम्हारी 2 मीटर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे पहुंची और तुमको वहां पे ई नॉट वी नॉट बताने हैं। कैसे करोगे मैं तुमको बताऊंगा, बट क्या है इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं उनका एक जनरल तरीका है। बल्ब एक पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से चारों तरफ लाइट फैल रही है, पावर दे रखी है, पावर क्या होती है 100 वॉट एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो जितनी डिस्टेंस पे, जैसे 2 मीटर की डिस्टेंस से पूछी गई, जितनी डिस्टेंस से पूछा गया उसे एक स्फीयर बना लो, एक हाइपोथेटिकल स्फीयर बना लो, मैंने पहले इसे बना लिया था, बट एक स्फीयर बना लो। अब यहाँ पे ये बोलो कि इस स्फीयर के हर पॉइंट पे एनर्जी बराबर बराबर पहुंचेगी, ऐसा तो है नहीं कि बल्ब सेंटर पे रखा है ना कि बल्ब ज्यादा एनर्जी दे दे यहाँ पे कम दे, यहाँ पे ज्यादा दे दे यहाँ कम, सब जगह बराबर दे रहा है स्फीयर पे, स्फीयर का तो मतलब ही एक इक्विडिस्टेंस है। तो बल्ब की वजह से इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी मिलेगी स्फीयर की सरफेस पे, इंटेंसिटी एट द सरफेस, जो हाइपोथेटिकल सरफेस मैंने बनाई है स्फीयर की, उस पे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम तो पावर है और एरिया 4πr² भाई, स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है, थ्री डायमेंशनली है ना, बल्ब से ऐसा तो ना कि एनर्जी किसी लाइन में निकलेगी, बल्ब से ऐसा तो ना एनर्जी की तुम्हारी किसी सर्किल में निकलेगी, बल्ब तो चारों तरफ फैलाएगा ना थ्री डायमेंशनली स्फीयर के फॉर्म में। तो जो इंटेंसिटी पी अपॉन 4πr² लिख रहा हूं, इसको इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बनेगी 100 अपॉन 4πr, मैंने 2 मीटर ली थी तो 2 का स्क्वायर, अब वो सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर 4 से कट जाएगा, तो 25 अपॉन 4π, ये मेरी आ गई वॉट पर मीटर स्क्वायर में इंटेंसिटी। अब मुझे तो इनॉट बी नॉट चाहिए थे, तो मैं क्या करूंगा, तो बेटा जो इंटेंसिटी आई क्या वो अभी थोड़ी देर पहले बताया था हाफ एप्सिलॉन नॉट इनॉट स्क्वायर इनटू सी होती है? यस। तो इंटेंसिटी को लिखो बेटा, इंटेंसिटी को लिखो बेटा 20 जो आई है मेरी से आई है 25 अपॉन 4π, तो इसको लिख दो मुन्ना हाफ एप्सिलॉन नॉट, को तुमको सबको बताने की जरूरत तो है नहीं, सी भी तुमको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनॉट स्क्वायर तो मुझे पता नहीं, तो अब मुझे बताओ बेटा इनॉट ही तो अननोन बच रहा है खाली। यस सर। इनॉट निकल आएगा, और एक बार ई नॉट निकल आए तो बी नॉट के लिए कुछ नहीं करना है, बी नॉट के लिए सिर्फ इतना करना है ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी, ई नॉट निकल आएगा तो बी नॉट की वैल्यू कर दोगे ई नॉट बाई सी, लिख लो इस एग्जांपल को, सॉल्व भले ना करना, लंबा है तो सॉल्व मत करना, और जैसे ही सॉल्व कर लो मतलब लिख लेना इसको, तुरंत बुक खोल लो
और बुक के ईएमवी के सारे क्वेश्चन कर डालो अभी के अभी, और देखोगे देख के समझ में आ जाएगा, जो क्वेश्चन ना हो मुझसे अभी के अभी पूछ लो, तुमको बल वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा असाइनमेंट में, जेई मेन में आए हुए क्वेश्चन दिख जाए ईएमवी में तो वो भी कर लो, रेडिएशन प्रेशर के क्वेश्चन देख लो, एनर्जी डेंसिटी के मिलेंगे, इंटेंसिटी के मिलेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के क्वेश्चन मिलेंगे, तो देख लो अभी कभी। चैप्टर हो गया? हाँ चैप्टर हो गया। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ाएंगे क्या? अच्छा पढ़ना चाहते हो तो ठीक है पढ़ा देंगे। अरे सर स्कूल में आता है। अच्छा ठीक है पढ़ा देंगे पूरा आराम से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बहुत आराम से मत पढ़ाइएगा। देखो ना पढ़ाओ तो तुम बोलोगे पाया नहीं, वो पढ़ाओ तो तुम बोलोगे सर बहुत टाइम मतलब लगा रहे, ऑप्टिक्स छूट रहा है, ऑप्टिक्स छूट रहा है। मतलब सर पढ़ा दीजिएगा वैसे कि उसमें कुछ नहीं होता बेटा, उसमें खाली ये लिखा है स्पेक्ट्रम में ये सबसे छोटी होती रेडियो वेव, फिर होती माइक्रोवेव, फिर होती इंफ्रारेड, फिर होता विजिबल स्पेक्ट्रम वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, फिर उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, फिर उसके बाद एक्सरे, उसके बाद गामा रे, और सबके लिखे कहाँ से आती गामा रे, एक एप्लीकेशन लिखे गामा रे न्यूक्लियर उसमें, एक्सरे तुम्हारा एक्सरे अपरेटस में, फिर विजिबल लाइट जो हमारी सन से आती है, फिर इंफ्रारेड जो कम टेम्परेचर पे बॉडीज होती हैं, माइक्रोवेव और रेडियो वेव जो एलसी सर्किट में, फिर सबकी वेवलेंथ लिखी, सबकी फ्रिक्वेंसी जो तुम वैसे ही याद नहीं रख पाओगे और याद रखनी भी नहीं है, विजिबल खाली याद रखनी है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम ये वेवलेंथ है, और फ्रीक्वेंसी कभी भी याद नहीं रखनी, फ्रीक्वेंसी इससे निकालनी है, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ लिखो 3×10⁸, यहाँ पे वेवलेंथ में जो बता रहा हूँ 4000 एंगस्ट्रॉम या 7000 एंगस्ट्रॉम, यहाँ इसको ले आओ तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, बस विजुअल लाइट की तुमको वेवलेंथ याद रखनी 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, बाकी तुमको ना एक्सरे की याद रखनी है ना तुमको रेडियो वेव्स की याद रखनी है, बाकी तुम्हारा इनकी एप्लीकेशन है माइक्रोवेव कहाँ यूज करते हैं रेडियो वेव्स कहाँ यूज करते हैं, बाकी अब तुम चाहते हो तो मैं तुमको एक क्लास लेके आराम से पढ़ा दूंगा। नहीं सर ये हो गया इतना ही काफी। चलो ये पहले लिख लो और बुक खोल के अभी क्वेश्चन देखो तब हम लोग आगे बढ़े, ये लिख लो पहले, ये लिख लिया सबने? यस सर। एसी के डाउट कब लेंगे? संडे को डाउट रखेंगे। हाँ रख लो रख लो, जब तुम चाहते हो रख लो, कब चाहते सर? बहुत छूटा हुआ है चैप्टर 4 से ही सर। अच्छा चलो कब चाहे तो क्या चाहे तो मुझे बस इतना बता दो, कब चाहे तो क्या चाहे? संडे को करा दीजिए। संडे को करा करिए ठीक है चलो संडे को। क्या टॉपिक चाहते हो? इंडक्शन। अच्छा सर अभी मैग्नेटिज्म ही बचा हुआ है, अभी बहुत छूटा है सर। हाँ तो कौन सा सबसे पहले चाहे तो वो कर लो, तुम्हारी सर मैग्नेटिज्म लाइन से चलते हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में करा रहा था छूट, मतलब पूरा नहीं हुआ था मुझे, यस यही है ना, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसके बाद है फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला, उसके बाद है ईएमआई वाला, उसके बाद है एसी वाला। सर ईएमआई इंपॉर्टेंट है सर, उसे पहले करा दीजिए, उसके बाद ऐसा होता रहेगा। अच्छा मैं एक सेकंड तुम लोगों से बात कर लेता हूँ, तुम लोग में से एक बार बताओ कितने लोग चाहते हैं मूविंग किस 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 चैप्टर पे, एसी तो नहीं अभी कोई चाहता ना? प्रधानमंत्री नहीं बनाना है सर, ईएमआई करा दीजिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं बेटा, तुम तो ईएमआई बोल रहे हो लेकिन अगर ज्यादातर लोग मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म बोलेंगे तो फिर ऐसा थोड़ी ना कि खाली मैं तुम्हारी बात सुनूंगा बाकी लोगों की बात सुनूंगा, इसलिए मैं पूछना तो जरूरी। सर वोटिंग करा लीजिए कौन कौन सा चैप्टर जाता है पहले, ईएमआई सब हैंड रेस कर लेंगे। हाँ तो ईएमआई पे पहले हैंड रेस करो, ईएमआई पे हैंड रेस करो, ईएमआई 2 इलेक्शन जीत लिया सर, 6 अदर 7 ईएमआई पे 7 आए, ईएमआई पे 7 7 + 1 8 8 8 लोगों ने अभी तक ईएमआई पे किया है, हफीजा नूर प्लस 7 अदर, संस्कार अन प्लस 8 है, 9 लोग हो गए ईएमआई पे। ओके अभी आएंगे सर। अच्छा रुकें, चलो रुक जाते हैं, अब हट गया, चलो 9 लोगों 9 लोग आ रहे हैं ईएमआई पे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पे भी 9 आ रहे क्या? कुछ लोग
कुछ लोग चीटिंग कर रहे हैं, तो बंद करो। विशाल यादव प्लस 10 11 हो गया सर। कुछ लोग दोनों में वोटिंग कर रहे हैं सर, ऐसे थोड़ी ना राजनीति चल रही है क्लास में। और सर कुछ वोट खारिज हो गए सर, 10-20 लोग में से 4 लोग का पता ही नहीं। अच्छा चलो, तो ऐसा है हम लोग ऑर्डर में चलते हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म करेंगे पहले, और उससे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में जो तुम्हारे बाकी डाउट है वो पूछ लेना, फिर उसके बाद लाइन में आगे बढ़ेंगे। इस संडे, आज है तुम्हारा थर्सडे, संडे को जो भी क्लास होगी उसमें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म करके लाना, और हम लोग उसी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे। सर अभी यार चैप्टर ओवर हो गया, तो पहले डाउट क्लासेस ही रख लीजिए, सारे चैप्टर ओवर हो जाए उसके बाद ऑप्टिक्स स्टार्ट कीजिएगा। ऐसे तो सर काफी सारे चैप्टर पेंडिंग चले गए ना। थर्सडे के बाद अगली क्लास कब? अरे भाई बहुत देर हो गई सर, संडे को होगी फिर इतने वेडनेसडे, तो सर पहले डाउट्स वगैरह सब करा दीजिए उसके बाद ऑप्टिक्स स्टार्ट करिए, क्योंकि फिर डाउट्स ही बचे रह जाएंगे। अच्छा ठीक, ये भी बात सही है, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लग रही, मैंने तुम्हारी बात एक्सेप्ट कर ली। ठीक है सर, पढ़ाइए सर, बहुत सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं सर, पहले पढ़ा दीजिए ऑप्टिक्स पढ़ा लीजिए, उसके बाद संडे को डिस्कशन रख लीजिए और बाकी पढ़ा दीजिए। और इस संडे से स्टार्ट करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ऑप्टिक्स पैरेलल स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो फिर पीछे छूट जाएगा काम, कई लोगों के स्कूल में आ रहा होगा। ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देते हैं पैरेलल, और जो अगली क्लास होगी अगर संडे से पहले कोई क्लास होती तो उसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो चुका है, इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल लगा लेना, और ऑप्टिक्स स्टार्ट कर नहीं देंगे आज, कम से कम हेडिंग तो डलवाई देता हूँ। हेडिंग डाल दो रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दिया। ईएम वेव जे एडवांस का सिलेबस में नहीं है क्या बेटा? देख लो शायद नहीं है, हेडिंग डाल लो रे ऑप्टिक्स, इसी को ज्योमेटिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर रे ऑप्टिक्स है सर, आप पूरी ऑप्टिक्स में सर कितना दिन लगभग लगाते हैं सर? मतलब बेटा देखो वेरिएबल होता है, मैं बता रहा हूँ ना, इसी के लिए मैं ये नहीं बताता हूँ, वेरिएबल होता है, कम से कम भी होता है, ज्यादा ज्यादा भी होता है, मैं फिक्स नहीं बताता, ये डिपेंड करता है बच्चे कितना पढ़ना चाहते हैं। जैसे बच्चे खुद ही जब उनकी समझ में आता है ना बॉडी लैंग्वेज देख के, नहीं पढ़ना चाहते तो फिर जल्दी होता है, पढ़ना चाहते हैं डीप में पढ़ना चाहते हैं तो टाइम लगता है, तो कैसे मैं बता दूं, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग टाइम लगाता हूं मैं। अरे सर अभी इतना दिन से आप पढ़ा रहे हैं तो मालूम तो होगा ही हम लोग का। अब मालूम होगा तो मैं बोलूंगा थोड़ी ना मुंह पे। चलो तो सर वैसे ही बताइए अनुमान लगा के। चलो होगा जो भी टाइम लगेगा वो देखा जाएगा, वैसे भी आज की क्लास 16 को टेस्ट है ना, इसीलिए पूछ रहे थे। क्या टॉपिक क्या 16 के टेस्ट को? यही ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स चलेगा। ठीक है ऑप्टिक्स, अब संडे को छोड़ के बाकी दिन तो ऑप्टिक्स करेंगे, तो उसमें तुम्हारा काफी ऑप्टिक्स हो जाएगा, तो परेशान मत हो उसके लिए। कितना आ रहा है ऑप्टिक्स पूरे, दोनों चैप्टर आ रहे हैं कि एक चैप्टर आ रहा है? ऑप्टिक्स लिखा है। अच्छा एक चैप्टर, ठीक है तो फिर हो जाएगा तब तक, ओके काफी हद तक हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो इसी को ऑप्टिक्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, संडे की क्लास में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म करेंगे अब। ठीक है सबको, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ठीक चलो बाय, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू।